सो गाइस, आप अभी जानते हो कि उड़ीसा में हमारा एक्सीडेंट हुआ है, जो 3 रेल एक साथ टकराई है। बट उसमें से बहुत लोग ये कह रहे थे कि उसमें क्या हुआ था कि जो एक ट्रेन थी वो पटरी से डीरेल हुई और उसके जो कोचेस थे वो जाके दूसरे ट्रैक्स पे गिर गए और उसी ट्रैक्स पे और ट्रेन आ रही थी, वो उससे एक्सीडेंट हो गया। बट अभी ये कन्फर्म नहीं है, ये अभी पता होना बाकी है, तो अभी देखिए आगे क्या होगा। बट इसमें आप जानते हो कि जो एक सिस्टम होता है ACD, एंटी कोलिजन डिवाइस, ये क्या करता है, ये सेंस करता है कि आपके जो ट्रैक्स है उसके आगे और कोई ट्रेन तो नहीं आ रही है, और उसको सेंस करने के बाद अगर वो ट्रेन हाई स्पीड में रहेगी तो उस ट्रेन की स्पीड को वो डाउन करके 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कर देगा। बट क्या होता है कि अभी आप जानते हो कि जो सिस्टम है, जो ये पूरा सिस्टम है, हर जगह फिट नहीं हुआ है, क्योंकि 60,000 किलोमीटर तक ये रेल फैली हुई है, बस उसमें अभी 2,000 किलोमीटर तक होना ही सिस्टम होना बाकी है। और आप ये जानते हो जो ये इतना एक्यूरेट होता है क्योंकि ये SIL 4 सर्टिफाइड है, इसमें इसके चांसेस कितने हैं, ये 10,000 ईयर्स में सिर्फ एक बार ही एरर करेगा, इसका इतना एक्यूरेट है। तो ये हुआ कैसे है कि आपने जानते होंगे कि कुछ दिन पहले आनंद महिंद्रा ने भी इस पर ट्वीट किया था कि जो ये सिस्टम है ये उस एरिया में नहीं फैला हुआ है। आप ये ट्वीट पढ़ लेना।